Hi everyone, I am Dr. Manindar from the Department of Pediatrics at Medanta Medicity Gurgaon. Our school khul rahe hain, bahut hi welcome news hai, bahut welcome step hai, and definitely going back to school is going to be a little different from what it was before. Thoda sa hatke hai, to kafi anxiety, apprehension common hai parents ke andar. To isko ek ek karke handle karte hain. अगर आपके बच्चे को कोई खांसी बुखार या गले में दर्द है तो उसको स्कूल ना भेजें, तो पहले परिवर्तन ये तो करना ही पड़ेगा। मास्किंग, अगर आप बच्चे को N95 मास्क पहना के भेजोगे इतनी गर्मी के अंदर और वो उसको पहन के रखेगा तो बट नेचुरली उसकी स्वेटिंग की वजह से उसको यहाँ पे रैश रेडनेस होगा। सेकेंडली N95 में बात करने को बच्चे को कठिनाई होगी, उसको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा और टीचर और उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। सो क्लॉथ मास्क आर मच बेटर, रीयूजेबल हैं, वॉश हो सकते हैं। आप उनको 2 या 3 क्लॉथ मास्क उनके साथ डालिए, क्योंकि अगर 2-3 घंटे में वो सॉयल भी हो जाते हैं, उनमें पसीना आ भी जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में इनका कोई वेस्ट नहीं है, ये रीयूज होते रहेंगे। तो अगर बच्चे को खांसी हो, उनको बोलो कि दूसरे बच्चों से अलग होकर खांसी करें, या एल्बो में करें, हैंकरचीफ में करें, और अगर क्लॉथ मास्क में हो जाता है तो डेफिनेटली चेंज करके नया क्लॉथ मास्क पहन लें। फिर आते हैं हमारे हैंड हाइजीन। सारे बच्चे अब पूरी तरह ट्रेंड हैंड हाइजीन को लेकर, लेकिन छोटे बच्चों को बड़ी बॉटल हैंड हाइजीन के लिए ना दीजिए, हैंड सैनिटाइजर के लिए उनको छोटी बॉटल ही दीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे में उसको पी भी जाते हैं गलती से, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और कई बार ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं हाथों में। तो टीचर को बोलिए कि छोटे बच्चों के लिए उनको सुपरवाइज करें। इतनी गर्मी में ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हाइड्रेशन के लिए बार बार बोलते रहें कि वो हाइड्रेट रखें, पानी बार बार पिएं, और हो सकता है कि वो कॉमन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के पास भी जाएं, तो वहाँ पे हाथ से पानी ना पिएं बल्कि बॉटल में भर लें और फिर उसको पिएं। इतने साल हो गए बच्चे स्कूल के वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम गए नहीं होंगे, तो थोड़े एटिकेट्स वो भी उनको रीट्रेन करने पड़ेंगे, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा काफ़ी एंजाइटी है इन ऑल एज ग्रुप्स एंड एज वेल एज पेरेंट्स ऑल्सो। एंजाइटी है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजूंगा, उनको इन्फेक्शन लग जाएगा, कोविड नहीं कोई और इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को कोई और इन्फेक्शन लग भी रहा है, वो बच्चे के लिए ठीक है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो उसको इससे घबराएं ना और बच्चे को स्कूल भेजें। छोटे बच्चे जो 2 साल से स्कूल गए ही नहीं, उनको एक तरह का अपने पापा मम्मी या दादा दादी से अलग होने में सेपरेशन एन्जाइटी होगी, और मे बी स्कूल और स्कूल कर्मचारियों से स्ट्रेंजर एन्जाइटी भी हो सकती है, तो हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये छोटे बच्चे 2 साल से ऑन स्क्रीन टीचिंग ले रहे थे, तो जब उन पर एकदम से इन पर्सन टीचिंग होगी तो हो सकता है कि थोड़े ग्रेड्स गिरेंगे उनके, तो आपने दिल पे नहीं लेना बात को, डिसहार्टन नहीं होना, एक्सेप्ट करना है। एक ट्रांजिटरी फेस होगा जिसमें हो सकता है बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान जाए, क्योंकि वो इतनी एनर्जी अपने स्पोर्ट्स में, दूसरे दोस्तों से मिलने में लगाएंगे। और दूसरी तरफ एडोलेसेंट एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे 2 साल में बच्चों का एक तरह का शारीरिक चेंज, बॉडी चेंज हुआ होगा, और अपने दोस्तों को 2 साल बाद मिलेंगे तो उनके अंदर अपने बॉडी को लेके भी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। पढ़ाई के छोड़ने के अलावा भी और भी काफ़ी इश्यूज होते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो हमें उनको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। हमने उनसे लड़ाई नहीं करनी बल्कि उनसे डेली बात करनी है। और 2 साल में ये जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, ये क्या पता ज़्यादा बात ही ना कर रहे हो अपने दूसरे पीयर्स के साथ, तो हमें उनसे डेली बात करेंगे स्कूल के बाद कि उन्होंने क्या हुआ आज एक्टिविटी में, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांजिटरी फेस है जिसमें वो अनलॉकिंग ऑफ स्कूल्स के बाद दे हैव टू एडजस्ट टू इट, एंड वी हैव टू बी देयर एज अ पेरेंट टू सपोर्ट देम। वी हैव टू इनकरेज मैनी चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल ऑल्सो। काफ़ी हेजिटेंसी हो सकती है, और एक तरफ ऐसे ही बच्चे होंगे जो सुपर एक्साइटेड हैं, सो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दिस 2 वेरीड एज ग्रुप रेंजेस। इसके बाद आई जस्ट लाइक टू से दैट एज अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट इन नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स एंड बी पॉजिटिव। सो रीसेटिंग ऑफ लाइफ इज टेकिंग प्लेस, लेट्स एक्सेप्ट इट।